तो हमास और इसराइल के बीच में एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है, वहीं लेबनान भी इसमें शामिल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है, सीधा रुख करेंगे निधि सिंह, भारतीय छात्रा जो कि इसराइल तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, क्योंकि आप तेल अवीव में मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या सिचुएशन है वहां पर, क्या लोग डरे हुए हैं, क्या आप डरी हुई हैं? यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट कम्युनिटी है जहाँ मैं रह रही हूँ, काफ़ी सारे इंडियंस हैं। डर का तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हम जहाँ पर है वो बहुत सेफ है। यहाँ हर जगह बंकर्स हैं, स्टेयर केसेस बंकर्स हैं, हर फ्लोर पे बंकर है, तो कभी भी सायरन बजता है तो हम वहाँ जाते हैं। तो डर की बात तो नहीं है, बिकॉज जैसे गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, स्पेशली इंटरनेशनल लोगों के लिए जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं या स्टूडेंट्स हम जैसे, वो काफ़ी अच्छा है। और वो अक्रॉस थ्रू आउट द सिटी है। मैं टेलवीव में हूँ अभी, और वहाँ पे और भी लोग जो होटल्स में रह रहे हैं, इंडियंस हैं एक्सेट्रा, जो यहाँ सिर्फ ऐसे पढ़ाई करने आए हैं, घूमने आए थे, उनके लिए भी सिमिलर फैसिलिटीज़ है। तो अभी है टेंस्ड, हमें एडवाइस किया गया है कि हम गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, बट उसी के साथ साथ हमें ये भी बोला गया है कि आप अपने कमरे में रहिए और मिनिमम चीज़ों के लिए बाहर आइए। बिल्कुल निधि, जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर है, टेंशन जरूर होगी लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि तमाम जो भारतीय छात्र वहां पर हैं वो सुरक्षित वहां पर रहे। निधि, कितने छात्र आपके साथ फिलहाल मौजूद हैं, कितने लोगों से आपका संपर्क हो रहा है, सरकार की तरफ से साफ तौर पर क्या कहा जा रहा है फिलहाल सिचुएशन को देखकर? सरकार की तरफ से अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि हम सारी एडवाइजरी फॉलो करें। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी नोटिस करी है, जिसमें हमें यही बोला जा रहा है कि आप अपने रूम में रहिए, जो भी पुलिस या जो भी आपको यूनिवर्सिटी बता रही है उसके हिसाब से आपको अपने कमरे में रहना है। एंड बाकी भी जितने छात्र हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे छात्र हैं जो इंडिया से हैं, जो PhD पोस्ट डॉक मास्टर्स के लिए आए हुए हैं, और वो सब भी यही फॉलो कर रहे हैं जितने भी गाइडलाइंस हैं। निधि, तो यहाँ निधि, जी जहां पर आप मौजूद हैं, क्या आप बताएंगी कि ये जो अटैक्स हुए हैं हमास की ओर से, तेल अवीव पर भी किए गए हैं, वहां से डिस्टेंस कितना होगा? और जब सायरन बजते हैं तो आपको बंकर्स में, आपने बताया कि भागकर जाना पड़ता है, बंकर्स में भागकर जाने के लिए और जहां आप रह रही हैं वहां का डिस्टेंस, दोनों ही बताइए। हर फ्लोर पे बंकर है, तो ऐसा कोई डिस्टेंस है नहीं, इट्स जस्ट फ्यू, मतलब कुछ कदम दूर ही है। जब भी सायरन बजता है, कल रात को टेलवीव के ईस्ट साइड पर अटैक हुआ था, तो टेलवीव का सायरन बजा था, यूनिवर्सिटी का सायरन, जो दो बार बजा था कल। तो हम बंकर्स हैं, जितने भी स्टेयर केसेस हैं, यहाँ पे एक कॉमन स्टेयर केस है, वो पूरा फोर्टिफाइड और बंकर जैसा ही एक्ट करता है। तो आप स्टेयर केस भी जा सकते हो, और एक रूम है हर फ्लोर पे जो अच्छे से फोर्टिफाइड है, जो कुछ कदम ही दूर है, वो सेंटर ऑफ दी फ्लोर पे है, और आपको अगर वहां जाना है आप वहां जा सकते हैं सायरन के टाइम। निधि, जिस तरीके की सिचुएशन फिलहाल वहां पर है, क्या आप बता पाएंगी कि सबसे पहले जब अटैक हुआ किस वक्त आपको पता चला और किस वक्त आपको कहा गया, हिदायत दी गई कि आप बंकर्स में छिप जाएं? हाँ, जब सुबह अटैक हुआ था तो सायरन्स बजते हैं, तो उसमें यही एडवाइजरी आती है कि फर्स्ट जैसे ही सायरन बजता है आप वहाँ पे जाके वेट करिए फॉर 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर एडवाइज़ होता है कि आप अपने कमरे में वापस आइए। जैसे ही सायरन बजता है ये भी एडवाइज़ होता है कि आप अपना रूम की शील्ड और रूम का विंडो बंद रखिए, ये विंडो है तो इसीलिए बंद और शील्डेड है कि कभी भी सायरन बजे तो मेरे को ये वापस खोलना है, बंद ना करना पड़े। तो ये एडवाइजरी है, और हमें वहाँ रहना पड़ता है 10 से 15 मिनट अगर कोई वापस हमें एडवाइजरी नहीं आती है कि हम वहीं रहें या बाहर जाएं, सायरन से ही पता चलता है सब कुछ। निधि, क्या आपके किसी जानने वाले स्टूडेंट ने जो कि इसराइल में ही रह रहा हो, उसने अपनी आंखों से इस अटैक को होते हुए देखा, क्या कोई जानकारी इस तरह की है आपके पास, उसने आपको बताया हो आपके किसी साथी ने? मेरे नहीं, किसी स्टूडेंट ने नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कैंपस पे ही रह रहे हैं, तो कैंपस से वो दूर थोड़ी वो जगह थोड़ी दूर है। बट हाँ, एक दो लोग जो बाहर थे, जो कुछ टाइम के लिए बाहर गए और दूसरे शेल्टर्स में, वो बता रहे थे कि यहाँ पे स्मोक उनको देखने को मिली कहीं कहीं जगह, बाकी उनको इतना कुछ दूर से देखने को मिला नहीं, बट स्मोक एरियाज देखने को मिले कि आसमान में काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा था। तो ये सब ही देखने को, और यही छोटी छोटी वीडियोस भी शेयर हो रही हैं हर जगह। निधि, क्या फैमिली मेंबर्स से आपकी बातचीत हो पा रही है, संपर्क हो पा रहा है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है?
जी फैमिली मेम्बर्स से ठीक है, यहाँ पे वाईफाई फिलहाल के लिए ठीक चल रहा है, तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना इजी है, तो उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सबके फैमिली मेम्बर्स, सब लोग अपने अपने फैमिली से इजीली बात कर पा रहे हैं। जी निधि, जिस तरीके से जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी और वहाँ के स्टूडेंट से हमने बातचीत करनी शुरू की थी, तो शुरुआत में उन्हें नहीं लग रहा था कि ये वॉर इतनी बड़ी हो जाएगी। अब क्योंकि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कह दिया गया है कि युद्ध लंबा खिंचेगा, तो ऐसे में छात्रों का क्या रिएक्शन है? ऐसे में छात्रों का रिएक्शन यही है, जो लोग काफी दिन से यहाँ रह रहे हैं उनका, वो काफी इस चीज को लेके काफी इम्यून हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी जब गाजा में बॉम्ब्स गिरते रहते थे टाइम इधर टाइम, तो सायरन बजते थे और लोग जाते थे। बट यही है, छात्रों का रिएक्शन यही है कि उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी है वो बेस्ट कर रही है, और यूनिवर्सिटी भी सारी की सारी यहाँ पे बहुत ख्याल रख रहे हैं अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्पेशली, और अपने स्टूडेंट्स का। सो छात्रों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबको बस यही बोला जा रहा है कि आप अपने रूम में रहिए और आप अपना ख्याल रखिए, बिकॉज वही है अभी नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल निधि, तो वॉर सिचुएशन के बीच ये राहत की खबर है। तमाम जो भारतीय छात्र वहाँ पर हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए, और जितने भी भारतीय छात्र हैं वो अपना ख्याल रखें।